हेलो नमस्ते, वेलकम टू चंद्रिवास कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही लाइट डिश, स्पेशली इस गर्मी में वो बहुत चलता है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और उसके साथ गंधराज नींबू, तो बात ही अलग हो जाता है। एक लाइट फिश करी जिसमें स्पाइसेस बहुत ही कम, मतलब विदाउट स्पाइसेस भी बोल सकते हैं, तो वही फिश करी आज बनाने के लिए आपको दिखाऊंगी। एंड स्पेशली ये मैं वीडियो एक्चुअली बनाती हूँ बिगिनर्स के लिए, जिस जस्ट मतलब न्यू कपल मैरिड, बहुत लोगों को हेल्प होता है, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। एंड फिश इज बेसिकली वेरी हेल्दी फॉर स्टोमक प्रॉब्लम, जिस लोगों का स्टोमक का एवरीडे प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसमें फिश एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आप हेल्दी वे में कुकिंग करोगे तो ही, ज़्यादा स्पाइसेस और ऑयल में कुकिंग करो तो वो कभी भी हेल्दी नहीं होता है ना, तो इसलिए आज मैं वही दिखाने जा रही हूँ। तो बस स्टे होम, स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी, एंड प्लीज़ चेक माय ऑल द वीडियोस एंड सब्सक्राइब मी, थैंक यू। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर एंड साबुत के अंदर जाएगा जीरा। तो मेरे पास पाँच फोरन नहीं है, इसके लिए इंस्टेड ऑफ पाँच फोरन आई एम यूजिंग जीरा एंड थोड़ा सा जिंजर, तो ग्रीन चिली एंड ये कार्ड के अंदर मैं अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट आई ऑलरेडी हैव एडेड लिटिल बिट सॉल्ट एंड शक्कर और शुगर। अभी देखिए फिश फ्राई हो गया है, अभी देखिए ऑयल मास्टर ऑयल गरम करके मैंने बैठा दिया है, थोड़ा सा और भी मतलब ऐड किया है मैंने मास्टर ऑयल, तो थोड़ा सा हल्का सा गरम होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या ऐड करना है। मैं अभी ऐड कर रही हूँ जीरा, फिर अभी ऐड कर रही हूँ ऑनियन। देखिए मैं ऑनियन ऐड कर दिया है और ये फ्राई हो रहा है, इसको फ्राई करना है 2 मिनट। इसको फ्राई करूंगी 2 मिनट, फिर ऐड करूंगी टोमेटो। देखिए ऑनियन फ्राई हो गया है, हल्का सा फ्राई हुआ है, मैं ऐड कर रही हूँ अभी टोमेटो। और हल्का सा ये टोमेटो जब फ्राई होगा, फ्राई होने के बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी इसके अंदर, तो टोमेटो गल जाएगा। अभी देखिए टोमेटो गल गया है, अभी मैं इसके अंदर मैंने अभी देखिए टोमेटो हल्का सा फ्राई हो रहा है, अभी इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। लिटिल बिट एंड वेट कीजिए जब तक टोमेटो ना गल जाए। अभी टोमेटो गल गया है, इसके अंदर जो खड़ा मसाला एंड जिंजर है वो मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिए, थोड़ा सा वाटर मैं ऐड कर रही हूँ और इसको पकाना है जब तक ऑयल ना छोड़। अभी देखिए इसके अंदर से ऑयल छोड़ रहा है, मैं अभी कर्ड ऐड कर रही हूँ जो पहले ही फैटा लिया है, कर्ड ऐड कर रही हूँ। और ये कर्ड को स्टायर करना है नहीं तो फट जाएगा। और अभी देखिए कार्ड ऐड करने के बाद ऑयल छोड़ गया है, अभी मैं इसके अंदर फिश फ्राई जो करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। अभी देखिए मैं जो फिश है वो कड़ी के अंदर ऐड कर दिया है और हल्का सा 1 मिनट उसको थोड़ा सा भुनना है। अगर भुनने के लिए थोड़ा सा हल्का सा पानी चाहिए तो दीजिए,
इसको भूनना है, फिर मैं पानी ऐड करूँगी। देखिए जो थोड़ा सा वाटर दिया था उसमें थोड़ा सा भून गया है, 2 मिनट जस्ट। अभी इसके अंदर वाटर ऐड कीजिए, क्योंकि डेली फिश खाते हैं ना, तो डेली अगर ये डेली बेसिस फिश करी है तो इसके लिए ज़्यादा मतलब ग्रेवी नहीं चाहिए, राइस के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर। अभी देखिए मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। और इसको हाई फ्लेम कर दीजिए जब तक उबाल ना आ जाए। अभी देखिए उबाल आ गया है और अभी मैं इसको ढक दे रही हूँ फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अभी स्टैंडिंग टाइम है और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक इट। थैंक यू। सो टेक केयर, ईट हेल्दी एंड एन्जॉय माई ऑल डिशेज एंड ट्राई एट होम, ट्राई इट ऑल द माई रेसिपीज एट होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दिस इज़ द सर्विंग टाइम। मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है, ये बॉल में सर्व कर दिया है फिश। और सर्विंग होने के पहले मैं थोड़ा सा गरम फिश में ग्रीन चिली ऐड कर दिया था, क्योंकि ग्रीन चिली का एक फ्लेवर अलग होता है। तो होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ डेली बेसिस फिश करी विच वी एवरी डे हैव विथ राइस। सो दिस इज़ नॉट टू स्पाइसी, नॉट टू ऑयली, फॉर एवरी डे पर्पज यू कैन हैव इट। So how actually we have it in West Bengal, so that is only I tried to show you today. So आप लोग ये जो फिश करी है इसको राइस के साथ खा सकते हैं, और फ्राइड राइस के साथ इतना अच्छा नहीं रहेगा, वाइट राइस के साथ ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी ट्राई करना जो लोग ऑल ओवर इंडिया से हैं, और मुझे कुछ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों को। एवरीडे